बिहार के कुछ लोगों के खाते में पैसे आने की खबरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन सुपौल में बिना खाता खुलवाए एक मजदूर के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो गया। अभी मजदूर के खाते में 9,99,00,000 रुपए मौजूद हैं, जिसे साइबर डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिया है। ये सारी घटना शहर के यूनियन बैंक में हुई और पीड़ित मजदूर किशनपुर थाना इलाके के सिसोनी का रहने वाला है। लेबर कार्ड बनाने के लिए तो वहाँ पता चल रहा है कि जो तुम्हारे खाता में बैलेंस है, यूनियन बैंक में खाता खुला हुआ है, उसमें बहुत सारे पैसा जमा है, उसमें नहीं खुलेगा लेबर कार्ड। कितना रुपया जमा है? 99,09,00,000 ऐसे कुछ रुपया है। तो तुम फिर क्या किया? हम उसके बाद आए यूनियन बैंक मिलने के लिए, इनसे मिल के गए तो बोला कि जो कल आओ, कल आके उसके बाद फिर हम इसे हम टेस्ट मारे, मतलब हमको दो जितना डॉक्यूमेंट्स दिया है वो हमको दिखलाइए, रिकॉर्ड हम माने उनसे, वो नहीं दिया। वहीं शाखा प्रबंधक रविशंकर का कहना है कि विपिन के खाते में उतनी राशि नहीं है। तो 9 करोड़ गया, 10 करोड़ जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल से उसमें कोई भी सत्य नहीं है। हमने अभी खाता चेक किया और आप लोग को भी दिखाया है, उसमें कोई भी ऐसा बैलेंस कभी आया ही नहीं है। और जो बैलेंस आपको दिखा रहा है वो उतना उसमें रोक लगा हुआ है। कभी उसमें कोई साइबर क्राइम की घटना हुआ था तो साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा उस पर रोक लगाया गया है, जो कि आपको बैलेंस नेगेटिव में दिखना चाहिए, जो कि आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा, इसलिए से आपको वो अमाउंट दिख रहा है, उसमें ऐसा कोई सत्यता नहीं है इस मामले में। मजदूर के खाते में इतनी बड़ी रकम होने की बात सामने आने के बाद बैंक कर्मियों ने रांची जोनल कार्यालय को सूचित किया, जिसके बाद रांची जोनल कार्यालय के मुख्य प्रबंधक संतोष कुमार खां गुरुवार को जांच करने शाखा पहुंचे। मुख्य प्रबंधक ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये साइबर क्राइम से जुड़ा मामला है। साइबर क्राइम का मामला है, चूंकि इनका खाता 2016 में, जैसा कि सिस्टम बता रहा है कि 2016 अक्टूबर में इन्होंने खाता खोला था और फरवरी 2017 में ये खाता को साइबर के थ्रू ही बंद कर दिया गया है। इन 3 महीने के बीच बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो मैं अभी शाखा प्रबंधक को निर्देश देता हूँ कि वो सारी चीज़ों का विवेचना करें और ये खाता किसने खोला, कैसे खुला, KYC वगैरह उनका हुआ है नहीं हुआ है, इन सारी बातों का मैं संज्ञान लेता हूँ और मैं सारा रिपोर्ट जो है इनसे मैं तलब करता हूँ। फिलहाल अब सवाल उठना लाजमी है कि सुपौल में साइबर क्राइम से जुड़े लोगों की जड़ें कितनी मजबूत हैं। अगर विपिन के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे और कितने लोग हैं जिनके आधार कार्ड के नाम पर फर्जी खाते बैंक में खुले हुए हैं और उनमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इन सब में बैंक कितना अपराधियों का मददगार है जो बिना देखे फर्जी खाते खोल रहा है।